कैसे आप अपने खोए हुए प्यार को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आपका प्यार होगा तो क्या नहीं किया जा सकता। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने खोए हुए प्यार को अपने जीवन में वापस ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास आपका प्यार होगा तो क्या नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी में प्यार आते आते चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनको नया नया प्यार हुआ होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि उनका प्यार उनसे दूर चला गया। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार किसी और के आने की वजह से ऐसा हो जाता है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास की, जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने सच्चे प्यार को अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, या फिर अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कैसे आप उसे अपनी ज़िंदगी में बुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने प्यार को अपने पास ला सकते हैं, उसे अपने मन का जो आप चाहें वो करने के लिए कह सकते हैं और वो खुशी खुशी करेगा, चाहे वो कोई लड़की हो या कोई लड़का। आप अपने प्रेमी को या प्रेमिका को, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और ज़िंदगी भर उसका साथ पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसको करने का तरीका, बेहद आसान है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान में रखना है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो सच्चा प्यार होना चाहिए। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या किसी का फ़ायदा उठाने के लिए इस उपाय को बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अचूक वशीकरण है, तुरंत काम करता है और आपकी समस्या का समाधान भी तुरंत करता है, लेकिन तभी जब आप इसे सच्चे मन से करें तब। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने सामने चार सुपारी रख लेनी है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे चार सुपारियाँ रखी हुई हैं। चार सुपारी सामने रखकर आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत आसान है, आप अगर चाहें तो मैं आपको लिख के दिखा सकती हूँ। मंत्र है, ओम वशी मनिये हल्द वशी भूते ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र को मैंने लिख कर रखा हुआ है ताकि आप इसे देख लें, और आप इसे देख कर अपने सामने ऐसे ही लिख कर आप भी रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है ओम वशी मनिये हल्द वशी भूते ओम नमः स्वाहा। इस तरह से आपको मंत्र लिखकर अपने सामने रख लेना है और उसके बाद सुपारियों को सामने रखना है। सुपारियों का इसमें किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ, बेहद आसान तरीका है। सुपारी आपको किसी भी पान की दुकान में मिल जाएगी, आप ले आइए, बहुत ही सस्ती मिल जाती है, 1-1 रुपये में मिल जाती है कई बार। तो अब आपको क्या करना है कि ये मंत्र आपने जब सामने रखा, आप इसे किसी भी दिन बैठ के कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे शाम के समय करें, और आपको इसे करना है करीब 3 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन आपको इसे करना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि 3 दिन इसको ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कोहनी पर, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ लिखकर, आपका हाथ लेना है और उसके बाद आपकी कोहनी पर आपको अपने प्रेमी का, यहाँ पर इधर कहीं भी इस पोर्शन में कहीं पर भी आप अपने प्रेमी का नाम लिख लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखे रहने देना है कम से कम 24 घंटे के लिए, ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो आप पेन की मदद से, कोई भी पेन लेकर, बॉल पेन हो या कोई भी मदद पेन से, आप अपने प्रेमी का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी लिखती हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हिंदी में भी यहाँ पर सोहन लिख दिया है। इसी तरह से आप भी अपने प्रेमी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको इस तरह से लिखकर इसे थोड़ा सा डार्क कर देना है, जिससे कि ये यहाँ पर लिखा रहे। और उसके बाद जब आप यहाँ पर नाम लिख चुके होंगे, उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है वो ये करना है कि ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इसे आप अपने सामने रख के बैठेंगे, और सुपारी जो है उसे आप अपने
सामने रखे रहने दीजिए इस तरह से। लेकिन अब आपको बीच में सुपारी को एक बार उठा लेना है, अपने हाथ में ले लेना है, और उसके बाद आपको सुपारी के ऊपर इस मंत्र को पढ़ना है। तो सुपारी के ऊपर आपको पढ़ना है ओम वशी मनिये हल्दवशी भूते ओम नमः स्वाहा। ये आपको पढ़ना होगा कम से कम 19 बार। तो 19 बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे और उसके बाद सुपारियों के ऊपर आपको फूंक देना है और उसके बाद फिर इसे बंद कर लेना है। फिर 19 बार इसे पढ़िए और फिर इसे इस पे फूंक दीजिए। ऐसे आपको करना है 3 बार। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में 3 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है, सुपारियों पर फूंकना है। और उसके बाद जब आपका ये पूरा कार्य हो जाए तो आपको सुपारियों को ऐसे ही किसी भी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर आपकी बॉडी से ये टच होती रहे। जी हाँ, तो एक तरीका तो ये है कि आप रात को सोते समय इसे अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, या फिर अगर आप तकिए के नीचे नहीं रख सकते हैं तो आप इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। किसी भी ऐसे डायरेक्टली भी रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो किसी कपड़े में लपेट कर इसे आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगली सुबह आपको इसे रख देना है वापस किसी ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ पर इसे कोई देखने ना पाए, क्योंकि आपको इसे 3 दिन इस उपाय को करना है। तो आपको यही सेम सुपारी लेनी है और इनका उपाय 3 दिन तक करना है। इसके बाद दोस्तों जब ये 3 दिन हो जाए तो फिर आपको इनका विसर्जन करना है। जी हाँ, वैसे तो आपका कार्य 3 दिन से पहले हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन दोस्तों 3 दिन तक आपको ये उपाय ज़रूर करना है। 3 दिन से पहले आपको इसे बंद नहीं करना है। और उसके बाद आपको अगला कार्य जो करना है वो ये कि जब 3 दिन हो जाए तो 3 दिन करने के बाद चौथे दिन सुबह सुबह आप इसे ले जाइए और आप इसे पानी में फेंक दीजिए। जी हाँ, आपके घर के पास कोई भी पानी का स्रोत हो, कोई भी ऐसा बहता हुआ पानी हो, कुआं हो या फिर नदी हो, तालाब हो, आप उसमें ले जाके इसको डाल दीजिए। एक और तरीका है, आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ की मिट्टी में इसे गाड़ सकते हैं। ये तरीका भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा अगर पानी नहीं मिले तो। इस तरह से आप इसे कीजिए। और अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपको सवाल आ रहा है दिमाग में, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं।